आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस। आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू रिसीव 67th नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर भोसले। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मनोज बाजपेयी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतकर बिहार का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, जिसके बाद अब मनोज ने उन्हें शुभकामनाएं देने वालों को शुक्रिया कहा है। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस। आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू रिसीव 67th नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर भोसले। आपको बता दें, फिल्म भोसले मुंबई में प्रवासियों के सामने आने वाली रियल लाइफ प्रॉब्लम से संबंधित है, जो आज के समय में प्रासंगिक है। मनोज बाजपेयी ने फिल्म भोसले में एक बुजुर्ग और रिटायर्ड कांस्टेबल का किरदार निभाया है। गणपत राव भोसले की जिंदगी में अपनापन लेकर आते हैं एक नॉर्थ इंडियन लड़की सीता और उसका छोटा भाई लालू। दोनों इस कांस्टेबल के पड़ोसी बन जाते हैं। इसके बाद गणपत राव भोसले किस तरह इन भाई बहन के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे ही आगे बढ़ती है। मनोज ने भोसले के रिलीज से पहले के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में 26 साल पहले बिहार से उनके मुंबई आने की कहानी बताई थी और उम्मीद की थी कि उनके जो फैंस हैं उन्हें फिल्म भोसले काफी पसंद आएगी। 26 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जब मैं पहली बार बिहार से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई आया था। जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि मुंबई। जी हाँ, मैं एक बिहारी मुंबईकर हूँ। यहाँ हर सेकंड एक माइग्रेंट सैकड़ों सपने लिए इस शहर में आता है, चाहे वो बिहारी हो या फिर मराठी। मुंबई सबका स्वागत बाहें खोल के करती है। उन सपनों को पीछा करने में आप कई बार गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और यहाँ तक कि मैंने कई मराठी मानुष के किरदार भी कर डाले। मेरे पिछले मराठी किरदार, चाहे वो सत्या का भीखू महात्रे हो या फिर अलीगढ़ का श्री रामचंद्र सीरस, इन सब ने आपको अपने शब्दों से, संवाद से आपका मन मोह लिया था। लेकिन इस बार ये नया किरदार आप लोगों को अपनी चुप्पी से, अपनी खामोशी से अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करेगा, बल्कि पूरी तरीके से आपको जीत लेगा। और इस नए किरदार का नाम है गणपत भोसले। 26 साल हो गए मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने आज भी उसी शिद्दत से इस फिल्म को किया है, इस किरदार को निभाया है, जिस शिद्दत के साथ मैंने अपनी पहली फिल्म, अपने पहले किरदार को निभाया था। और मैं आशा करता हूं कि मेरी ये कोशिश आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो जरूर देखिएगा भोसले 26 जून को सोनी लिव पर। मनोज खुद बिहार से हैं और मुंबई में रहते हैं। भोसले में भी सीता और लालू उत्तर भारत से थे और मुंबई में आकर रहने लगते हैं। शायद इसलिए ही मनोज के इस फिल्म में उन्हें यह अवार्ड दिला दिया। मैं हूं मानसी और आप देख रहे थे बिहार तक।